जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर आ रही है, जहां सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा जॉइंट सर्च ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पटनी टॉप के पास आकार फॉरेस्ट एरिया में ये ऑपरेशन चल रहा है। खबर है कि आतंकियों के ठिकानों का पुलिस को और सेना को पता लगा है, जिसके बाद ऑपरेशन को जॉइंटली अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा बलों ने डोडा हाईवे पर नाकेबंदी शुरू कर दी है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाश ली जा रही है, तलाशी की जा रही है। कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो एक ऐसे मॉड्यूल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था जो पाकिस्तान में घुसपैठ करके आए आतंकियों की मदद करता था। पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा था। अब देर रात से सुरक्षा बलों ने यह सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और यह सर्च ऑपरेशन डोडा हाईवे पर पटनी टॉप पर अभी भी जारी है। मेरे सहयोगी मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, किस तरह से इस जॉइंट सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में जो है मिलिटेंटों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और इसी ऑपरेशन के तहत कल बीती रात तक्कर इलाके में जो पटनी टॉप का एरिया है वहां पर मिलिटेंट्स के साथ जो है कंटैक्ट हुआ, लेकिन अंधेरे की वजह से जो है मिलिटेंट अक्कर के जंगलों की तरफ जो है फरार होने में कामयाब हो गए, जिसके बाद एक जबरदस्त ऑपरेशन जो है वो पूरे रीजन में चलाया जा रहा है। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही इस तरह के इनपुट्स मिले थे कि जंगलों में जो है काफी तादाद में मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं और वो रिहायशी इलाकों की तरफ आना अब बिल्कुल कम कर रहे हैं, लेकिन कल इनकी मूवमेंट को जब ट्रेस किया गया तो उसी दौरान सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और माना जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स यहां पर छुपे हुए हैं और ये 15 अगस्त का समारोह है, ऐसे मौके पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है, इसलिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मिलिटेंटों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। शुक्रिया मंजूर आपका तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी के लिए।